हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लहसुनी तड़के वाली पालक पनीर। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और बनाने में भी बहुत आसान। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे, 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम पालक, 2 मीडियम प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च, 12 से 13 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 1 इंच दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 2 तेज पत्ता, 2 से 3 हरी इलायची, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 तिहाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, चुटकी भर हींग का पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 चम्मच घी, 3 से 4 चम्मच तेल, आधा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा धनिया के पत्ते। पालक को अच्छे से धो के सुखा ले। प्याज को बारीक काट ले। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और 2-3 लहसुन तड़के के लिए रख के बाकी लहसुन को ग्राइंड कर ले। कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पालक को भी बारीक काट ले। अब 1 चम्मच घी और 4 चम्मच तेल गरम कर ले कढ़ाई में। अब डाल दे 1 इंच दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 2 तेज पत्ता और 2 से 3 हरी इलायची क्रश करके डाल दे। स्टर कर ले। अब डाल दे 1 चम्मच साबुत जीरा और स्टर कर ले। अब डाल दे 1 से 2 सूखी लाल मिर्च और स्टर कर ले। अभी डाल ले कटे हुए प्याज और अच्छे से स्टर कर ले। प्याज आपको तब तक भूनना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस स्टेज में डाल दे ग्राइंडेड पेस्ट और मिक्स कर ले। अब डाल दे नमक स्वाद अनुसार और मिक्स कर ले। कवर करके 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच में पका ले। लिड निकाल दे और स्टर कर ले। आपको तब तक पकाना है जब तक कि मसाले का कच्चा स्मेल निकल ना जाए। अब डाल दे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चुटकी हींग पाउडर और अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा पानी ऐड कर ले अगर ज़रूरत पड़े तो और मिक्स कर ले। कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में पका ले। लिड निकाल के 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले। मैं पहले डालना भूल गई थी इसीलिए अभी डाल दिया। कवर करके 2 मिनट तक लो फ्लेम में पका ले। लिड निकाल के स्टर कर ले। अब डाल दे कटे हुए पालक और मिक्स कर ले। कवर करके 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में पका ले। लिड निकाल के स्टर कर ले। स्पैचुला की मदद से पालक को मसल दे ताकि थोड़ा गल जाए। पूरा गलाने की जरूरत नहीं है, हमें बस हल्का सा ही गलाना है पालक को। कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में पका ले। लिड निकाल दे और फिर से स्पैचुला की मदद से पालक को मसल दे। पहले के 2 प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि 80% पालक पक ना जाए। अब डाल दे 1/2 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर और मिक्स कर ले। अब 1/2 ग्लास पानी डाल दे। कवर करके 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में पका ले। लिड निकाल के स्टर कर ले। अब डाल दे 1 चम्मच नींबू का रस और मिक्स कर ले।
इसके बाद डाल दीजिए पनीर के क्यूब्स और अच्छे से मिक्स कर लें। पानी ऐड कर दें जितना आपको ज़रूरत है और अच्छे से मिक्स कर लें। कवर करके 2 मिनट तक पका लें लो फ्लेम में। लिड निकाल के स्टर कर लें। पालक पनीर बन गया है, अब हमें तड़का बनाना है। एक तड़के वाले पैन में 1.5 चम्मच घी गरम कर लें। एक बार घी गरम हो जाए तो लहसुन काट के डाल दें। लहसुन जब लाइट ब्राउन हो जाए तब डाल दें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मिक्स करके तुरंत ही स्टव बंद कर दें। अब तड़के को पालक पनीर में डाल दें और कवर करके 5 मिनट के लिए रख दें। इससे तड़के का फ्लेवर और अरोमा अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा सब्जी में। लिड निकाल के कटे हुए धनिया के पत्तों से गार्निश कर दें। टेस्टी लहसुनी तड़के वाली पालक पनीर बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।